कल रविवार पुलवामा जिला के खरियू में सीआरपीएफ व सेना के 50वें बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स ने ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान एक जैश ए मोहम्मद आतंकी को मुठभेड़ में मार गिराया। इस मुठभेड़ में सुरक्षा कर्मियों ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान पुलवामा जिला के खरियू के निवासी सोहेल लोन के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सोहेल कुछ महीनों पहले ही आतंकी संगठन में शामिल हुआ था। वहीं मारे गए आतंकी की पहचान पाकिस्तान के निवासी वसीम के रूप में हुई है। सीआरपीएफ व सेना के 50वें बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स के अधिकारियों ने पत्रकारों को इस ऑपरेशन की जानकारी देते हुए कहा, पुलिस एंड सीआरपीएफ एन ऑपरेशन इज लास्टेड फॉर मोर देन 48 आवर्स, वन एफटी वाज न्यूट्रलाइज्ड, वन एलटी वाज अप्रिहेंडेड अलाइव, द आइडेंटिटीज ऑफ बोथ हैज कंफर्म बाय इंटेलिजेंसेस आर वसीम, रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, कैटेगरी A++ न्यूट्रलाइज्ड, सोहेल निसार लोन, रेजिडेंट ऑफ क्रू, कैटेगरी 3, apprehended live. Here I would like to make a special mention about Suhail. He joined Jaish e Mohammed 4 months back, and when we went to his family, his mother and sisters had appealed for him to come back. We promised his mother that if he comes in front of us, we will not kill him, we will not neutralize him. And true to our words, despite him firing at us, despite he getting engaged in a fierce firefight, we exercised maximum restraint and we apprehended him alive. We overpowered him, got him back to his family. Today, it's a proud moment that we have fulfilled our promise and given an opportunity to a misled youth to join the mainstream. I humbly appeal to other misled youths to surrender or approach the nearest COBs and give up arms so that we can together. चलना है अगर वक्त से आगे, बदलना है अगर नजरिया, तो चलते रहिए बस वक्त के साथ। हम दिखाते हैं सबसे पहले, बेशक हो छोटी खबर या बड़ी, वक्त इंडिया, यही वक्त है।